और मैं इस सरकार को कहना चाहती हूँ, ये सरकार जो कुछ करवा रही है इसके खुद जिम्मेदार है। अगर आज इस सरकार ने ऐलान नहीं किया ये हमारे में फूट डलवाना चाहती है, मगर हमारे में फूट नहीं डलेगी। सारा जन आंदोलन हमारे साथ है, हर क्षेत्र का कर्मचारी हमारे साथ है, और इसकी जो भी जिम्मेवारी होगी वो सरकार की होगी। सरकार खुद इसको अपना समझ के हम इसके जिम्मेदार होंगे, या तो हमारी मांग हमें दे दे जो खुद घोषणा की थी, वरना हमारे से आंदोलन करवाने के लिए तैयार रहे, हम पीछे हटने वाले नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और लाइव तस्वीरें आपको पानीपत के लघु सचिवालय से दिखा रहे हैं, जहां पर आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और हर जगह जिले में बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पर महिलाओं के मान सम्मान को देखते हुए अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं, उनको सम्मानित भी किया जा रहा है। लेकिन एक तरफ वो कार्यक्रम है, दूसरी तरफ ये हजारों की संख्या में जो महिला वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स हैं, वो तमाम जो पिछले लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी, और आज फिर वो पानीपत के लघु सचिवालय में पहुंची हैं और संख्या देख पा रहे हैं कि हजारों की संख्या है इनकी, और इन तमाम महिलाओं से भी बातचीत करेंगे कि किस तरह की क्या आगे इनकी रणनीति रहने वाली है। मैं सरकार में कहना चाहती हूँ कि इस अपनी हरकत से बाज आ जाए, और जो हमारी मांगे हैं, जो खुद इन्होंने मांगी थी, वो हमारी मांगे सीधे हाथ से आज भी आके ऐलान करके हमें लौटा दे, ताकि हम सभी बहनें अपने अपने काम पे चली जाएं, वरना हमारा ये आंदोलन इस तरीके से उठने वाला नहीं है। इसने काम धाम दंड भेद सब कुछ अपना लिया, मगर कोई इसके काम नहीं आया, अब भी अपनी हरकतों से बाज आ जाए। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि सभी बहनों इसी तरह और इसी हिम्मत के साथ क्रांतिकारी सभी डटी रहना। धन्यवाद। आवाज दो, आवाज दो। बाय सुनील। ये कुछ हमारे ये प्रेस में मीडिया के साथी हैं, तो ये जो पदाधिकारी है हमारी, ये बताइए कि महिला वहाँ चले जाए, हम जी खड़े हैं वहाँ, आप लोग सड़क वहाँ चले जाएंगे, वहाँ साइड में थोड़ा डिस्टर्ब हो जाए। साथी अब हमारे बीच में सरपंचारी संघ के जिला के सेक्रेटरी हैं, थोड़ी इधर पीछे हो जाओ, अमरीश त्यागी जी बोल से अपील करूंगा की वो संबोधन करें। अध्यक्ष मंडल, मैं पानीपत शहरी प्रधान प्रभारानी हूँ, सीटू यूनियन से हूँ। मैं ये सरकार को कहना चाहती हूँ, आज से 4 साल पहले पीएम और सीएम ने घोषणा की थी, जिसको इन्होंने आज तक भी लागू नहीं किया। इनको ये बात सोचनी चाहिए थी कि इन बहनों से हमारे से इतना काम कराया जाता है, हर डिपार्टमेंट हाथ खड़े कर देता है काम के लिए, मगर आंगनवाड़ी वर्कर को रात हो या दिन हो 24 घंटे उनको काम के लिए कहा जाता है, मगर ये सरकार कितनी निष्ठुर है, अपने मुंह से बोलने के बाद भी इस सरकार ने हमारे को नहीं दिया। और मैं इस सरकार को कहना चाहती हूँ, ये सरकार जो कुछ करवा रही है इसके खुद जिम्मेदार है। अगर आज इस सरकार ने ऐलान नहीं किया ये हमारे में फूट डलवाना चाहती है, मगर हमारे में फूट नहीं डलेगी। सारा जन आंदोलन हमारे साथ है, हर क्षेत्र का कर्मचारी हमारे साथ है, और इसकी जो भी जिम्मेवारी होगी वो सरकार की होगी। सरकार खुद इसको अपना समझ के हम इसके जिम्मेदार होंगे, या तो हमारी मांग हमें दे दे जो खुद घोषणा की थी, वरना हमारे से आंदोलन करवाने के लिए तैयार रहे, हम पीछे हटने वाले नहीं है। 3 महीने हो गए आज तक हमारी ना तनख्वाह है, जबकि हमारी बहुत सारी बहनें विधवा ऐसी हैं जो इसी से घर चलाती है, आज उनके घर की क्या पोजीशन है। इस सरकार को, खट्टर सरकार को बिल्कुल शर्म नहीं आती।
हमने इसको ये सोच के नहीं गद्दी पे बिठाया था कि ये इस देश की भलाई के बारे में और हमारी बहनों के बारे में कुछ नहीं सोचेगी, मगर इस सरकार ने हमें ये बता दिया कि ये सरकार निकम्मी है। आने वाले टाइम में इसका सुपड़ा साफ है, जो हम बिल्कुल प्रण कर चुके हैं कि ये सरकार हमारे किसी लायक है ही नहीं। हम बैठाना भी जानते हैं तो हम इसको उतारना भी जानते हैं। इसी बात को कहते हुए मैं धन्यवाद करती हूँ इस मीडिया का जो हमारी बातें सरकार तक पहुंचा रहे हैं, मगर ये सरकार सुन नहीं रही, इस सरकार को सुनना ही होगा। धन्यवाद, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जैसा इन्होंने कहा कि 3 महीने से इनकी सैलरी नहीं आ रही और वो लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर के सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करती है। आए दिन दूसरा या कोई दिन ऐसा होगा जिस दिन ये सचिवालय में नहीं पहुंचती होंगी, और ये खाली पानीपत की बात नहीं है, पूरी स्टेट के अंदर हर जिले स्तर पर ये प्रोग्राम और ये प्रोटेस्ट लगातार जारी है। तमाम जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनसे गुजारिश रहेगी कि इन तस्वीरों को आप शेयर करते रहें। और फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है अलग अलग जगहों पर, सरकारी कार्यक्रम भी हैं, निजी कार्यक्रम भी हैं, लेकिन एक तरफ वो कार्यक्रम है और दूसरी तरफ देख पा रहे हैं कि जो लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर के सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करती हुई आ रही हैं, उनकी तरफ कोई किसी का सरकार की नुमाइंदे का ध्यान नहीं है, किसी अधिकारी का ध्यान नहीं है। और जैसा इन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में जरूर वो सरकार को झुकाने में कामयाबी हासिल करेंगे। तमाम जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। काम किया, किसने किया विकास, क्या है गांव के मौजूदा हालात, ग्रामीण किसे देंगे अपना वोट, नाम पर या काम पर, पूछेंगे हम बताएंगे आप। खास कार्यक्रम पंचायती सरकार।